दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यूं तो पूरे देश में दर्जनों उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की निगाह इस समय वायनाड उपचुनाव पर है, जहां से राहुल गांधी की जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी उपचुनाव में खड़ी हुई है। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने अभी जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें दो जगह से चुनाव लड़ा था, उत्तर प्रदेश रायबरेली से और वायनाड केरला से। हालांकि राहुल गांधी दोनों जगह से जीतने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार उन्होंने वायनाड से इस्तीफा देकर रायबरेली सीट को पर मतलब रहने का काम किया कि वो इस सीट पर रहेंगे, और वहाँ से जो इस्तीफा दिया वहाँ से उन्होंने अपनी बहन प्रियंका गांधी को खड़ा किया है। यानी कि वायनाड से राहुल गांधी की जगह इस बार उनकी बहन प्रियंका गांधी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई हैं। दोस्तों, लेकिन सबकी निगाहें क्यों वायनाड पर हैं? पहला तो ये है कि प्रियंका गांधी अपने जीवन का पहला कोई चुनाव लड़ रही है, वो भी लोकसभा का। आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की स्टार प्रचारक हैं, बड़ी नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन चुनाव पहली बार लड़ रही हैं और भाजपा वायनाड में उनको कड़ी टक्कर देने का इरादा रखती है और बीजेपी हाईकमान दावा कर रहा है कि बीजेपी की उम्मीदवार नाव्या हरिदास उनको कड़ी टक्कर देंगी और अंदर खाने कई भाजपा नेता तो ये भी सपना देख रहे हैं कि नाव्या हरिदास प्रियंका गांधी को हराने का काम करेंगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये संभव है? हम इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो आंकड़े बताते हैं अब तक के, उससे तो लगता नहीं है कि भाजपा की उम्मीदवार प्रियंका गांधी को टक्कर दे पाएगी। उसके मैं कारण आपको बताने जा रहा हूं, उसी चीज का मैं विश्लेषण कर रहा हूं, और जो मेरा विश्लेषण है उसका आधार यह है कि वायनाड में प्रियंका गांधी को हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और वो मैं किस बिना पर कह रहा हूं वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि वायनाड केरला की लोकसभा जो सीट है उससे दो बार राहुल गांधी चुनाव जीत चुके हैं। अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुए थे, राहुल गांधी को इस सीट पर 6,47,443 वोटें मिली थी। भाजपा उम्मीदवार के सुरेंद्रन को 1,41,045 वोट मिली थी। यानी कि भाजपा उम्मीदवार से राहुल गांधी को 5,06,400 वोट ज्यादा मिली थी। हालांकि दूसरे नंबर पर एनी राजा रही थी, जो डी राजा की पत्नी थी और सीपीआई की उम्मीदवार थी, उनको 2,83,023 वोट मिले थे। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि जब अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे उसमें राहुल गांधी भाजपा उम्मीदवार से 5,06,400 वोटों से आगे थे, तो क्या नाव्या हरिदास इतने गैप को, 5,06,400 वोटों के गैप को भर पाएंगी? ऐसा दिखता नहीं है। हालांकि मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूं कि चुनावों में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो आंकड़े हैं वो प्रियंका गांधी के और कांग्रेस के हक में हैं।
इस बारे में मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि इस बार तो राहुल गांधी को मैंने बताया 6,47,445 वोट मिले थे, जबकि पिछली बार जो 2019 के चुनाव हुए थे उसमें तो उनको 60,00,000 से भी ज्यादा वोट मिले थे। और मैं एक चीज जो खास है और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस बार इस चीज पर और ध्यान दें, जो वहां के जातीय समीकरण है, जो वोटों का समीकरण है, वो भी नाव्या हरिदास के हक में नहीं दिखता है। जो धार्मिक या जातीय समूह होते हैं, हम माने या ना माने, लेकिन चुनावों में उनकी बड़ी भूमिका हमेशा रही है और साबित होती है। और ये धर्म और जाति के जो आंकड़े होते हैं किसी भी उम्मीदवार को जिताने या हराने का काम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो जो वायनाड की सीट है, मैं उस पर आपको बताना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार वायनाड लोकसभा सीट पर 40% मुस्लिम वोटर हैं, वहीं 40% हिंदू वोटर हैं। यानी हिंदू और मुस्लिम की जो जनसंख्या है मतदाताओं की वो बराबर है, और 20% वोटर ईसाई समुदाय से हैं, 20% वोटर ईसाई समुदाय से। और इस सीट पर SC और ST मतदाताओं की संख्या क्रम से 7% और 9.3% है। वायनाड सीट पर ग्रामीण मतदाता 93% हैं और शहरी मतदाता मात्र 7% हैं। तो दोस्तों, आप अपनी बुद्धि से इन आंकड़ों पर जाकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो आंकड़े हैं नाव्या हरिदास की जीत की ओर इशारा बिल्कुल नहीं करते हैं। और जो जानकार हैं, भाजपा के भी हैं, नेता हैं, बेशक ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने वो जरूर कहें कि नाव्या हरिदास प्रियंका गांधी को मतलब जबरदस्त टक्कर देने जा रही है और वो प्रियंका गांधी को हरा भी सकती है, लेकिन दोस्तों ऐसी कहीं दूर दूर तक संभावनाएं नजर नहीं आ रही हैं। और यदि हम ये कहें अंत में कि वायनाड सीट से प्रियंका गांधी की जीत लगभग तय है और इसकी घोषणा होना बाकी है जो 13 नवंबर को हो जाएगी, और प्रियंका गांधी लोकसभा में पहुंच जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए थे 4 जून में को जो जिनका रिजल्ट निकला था, कांग्रेस के सीटों में एक सीट का की और बढ़ोतरी होना तय है। और जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा, तो हमें ऐसा लगता है कि जो वायनाड में कांग्रेस को जीत मिलेगी और प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव जीतेंगी, उससे किसी हद तक कांग्रेस की हरियाणा में जीत का जो गम है शायद कुछ कम हो जाएगा। हालांकि चुनाव तो और भी बहुत हो रहे हैं, उन महाराष्ट्र में भी हो रहे हैं, तो वहाँ क्या स्थिति रहने वाली है इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, और महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनेगी, कौन कितनी सीटें जीतेगा, किसकी ज़्यादा संभावना है, इस पर भी हम अगली वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा मुद्दा कि वायनाड में प्रियंका गांधी और कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है, ऐसा जानकारों का कहना है। हालांकि असली पता तो 13 नवंबर को ही पता चलेगा जब उपचुनावों का रिजल्ट निकलेगा। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ।
नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।